Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. So मेरे को पता है WWE ने ऑफिशियली ब्रॉक लेसनर को ऐड कर दिया है एलिमिनेशन चैम्बर मैच जो कि होने वाला है 19 फरवरी को, जब जो हमारे WWE चैंपियन बॉबी लैशली गाइस वो उनकी WWE चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए दिखने वाले। कैसे बहुत ही बड़ी शॉकिंग चीज है, WWE ने ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेशन चैम्बर मैच में ऐड किया। और सो मींस दिस यू गाइस ब्रॉक को WWE आएगा गाइस, वो है कि गाइस WWE का शायद से प्लान है कि वो ब्रॉक को WWE चैंपियनशिप जीता हुए दिखने वाले एलिमिनेशन चैम्बर के पेपर में। और प्लस गाइस WWE का ये जो ब्रॉक लेसनर का डेब्यूट एलिमिनेशन चैम्बर मैच होने वाला है, जैसे ब्रॉक ने उनके पूरे करियर में एक बार भी एलिमिनेशन चैम्बर मैच रेसल नहीं किया, उनका पहला मैच होने वाला है। और मोस्ट ऑफ जो ब्रॉक ले सकते वो ये मैच में WWE चैंपियनशिप जीतते हुए भी दिखने वाले। सो गाइस पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले। अगर आप ब्रॉक लेसनर के बड़े वाले फैन हो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। बहुत ही बड़े बड़े सोर्सेस से रिपोर्ट आ रहा है कि गाइस जो WWE गाइस उनका शायद से प्लान है कि जो WrestleMania 38 में हमको WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच होने वाला है बिटवीन ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रीन्स। गाइस WWE को चाहिए गाइस ये जो मैच है गाइस ये होना चाहिए गाइस और डबल चैंपियनशिप मैच, यानी गाइस WWE को चाहिए ये जो मैच है गाइस यहां पे दोनों ही WWE के बड़े चैंपियनशिप्स यानी जो कि है यूनिवर्सल और WWE चैंपियनशिप्स ऑनलाइन होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू वेस्ट गाइस ये पूरे साल का सबसे बड़ा मैच है और उनको पूरा गाइस पूरा जोर धम लगा के ये मैच को सबसे बड़ा बनाना है। और जैसे लोगों को भी बैक स्टेज में जो क्रिएटिव के लोग हैं वो भी ज्यादा ही फेवर में है कि जो ब्रॉक लेसनर और रोमन रीन्स का मैच है गाइस यूनिवर्सल का एक डबल चैंपियनशिप यानी टाइटल वर्सेस टाइटल मैच होना चाहिए। अब भी सोचो गाइस WrestleMania 38 का सीजन गाइस अभी ही स्टार्ट हुआ है और गाइस ये सीजन के जो ब्रॉक लेसनर है गाइस क्या वो सीजन के आसपास ही चैंपियन एक मैच भी हारते हुए दिख सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं सभी कोई बंदा रॉयल रंबल मैच जीतते गाइस वो हमेशा हमको जीतते हुए दिखता है, तो क्या ब्रॉक लेसनर हमको हारते हुए या जीतते हुए दिख सकते हैं? इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है कि ब्रॉक लेसनर गाइस रोड टू WrestleMania के सीजन में हारेंगे। इसलिए गाइस WWE गाइस को मोस्ट प्रोबेबली एलिमिनेशन चैंबर में गाइस जो ब्रॉक लेसनर गाइस वो उनको WWE चैंपियनशिप जिताते हुए दिखने वाले। गाइस जो बैटिंग और गाइस बैक स्टेज से भी रिपोर्ट आ रही है कि जो ब्रॉक वही सबसे ज्यादा फेवरेट है मैच में जीतने के लिए। प्लस गाइस बोला कि WWE गाइस एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन टाइटल फॉर टाइटल विनर टेक ऑल मैच प्लान कर रहे हैं बिटवीन रोमन रीन्स एंड ब्रॉक लेसनर। इसलिए सभी को गाइस शायद से गाइस जो ब्रॉक लेसनर है गाइस उनको ही जिताते हुए दिखेंगे एलिमिनेशन चैंबर के वेटो में, फिर रोमन रीन्स के साथ फेस करेंगे WWE के WrestleMania 38 में मेन इवेंट में जहां पे दोनों ही चैंपियनशिप होने लगे, जहां पे WWE चैंपियनशिप और जो है दोनों ही अप फॉर ग्रैब्स रहेंगे इन अ विनर टेक ऑल मैच। और गाइस अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।